हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूल विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करेगा उसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां स्कूल विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना करने से पूर्व बातचीत कर रहे थे। युवा साथियों, वास्तव में हमारी पढ़ाई 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है, एक प्रत्यक्ष चीजें देखने को मिलती हैं। अपना क्षेत्र तो एक सामान्य क्षेत्र हर किसी को लगता है, जैसे कहा जाता है ना कुएं का मेंढक, उससे बाहर कुछ पता नहीं होता, लेकिन वही जब हम बाहर घूमने चले जाते हैं तो हमको देश और दुनिया का पता लगता है और उसी से हमारे मन में एक नवीनतम विचार आते हैं कि अपने जीवन को हमको कैसा बनाना है। और एक हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसके चलते अंबाला मंडी में किसान खरीद की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान किसान मार्केट कमेटी ने भी पहुंच अपनी मांगे रखी। किसानों का कहना है कि फसल पर कैपिंग, फसल में नमी, गेट पास, फसल खरीद के खरीद समय आने वाली समस्याओं का हल करना चाहिए ताकि इस सीजन में किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए। वहीं मार्केट कमेटी अधिकारी सभी तैयारियां दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक फैसिलिटी है, बिजली पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, वो हमने कंप्लीट कर दी है। जब भी परचेज सरकार द्वारा की जाएगी, हमारी तैयारी है मार्केट कमेटी की, और किसानों के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है, लाइट सब ओके है। किसान नेता भी इसलिए मिले थे, परचेज के बारे में उन्होंने डिस्कस करना था, उनसे यही बात हुई कि शाम को मीटिंग है और कल से शायद चेंज जब शुरू हो जाए सुचारू रूप से, वो मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा शाम को। जैसे बारिश का मौसम बना हुआ तो पानी की निकासी की बिल्कुल व्यवस्था सही है, सुबह भी थोड़ी बरसात हुई थी, सारा पानी निकलवा दिया गया था। गेट पास को इधर हर साल दिक्कत है। सिरसा के कालावली अनाज मंडी में किसानों ने इकट्ठा होकर गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए SDM ऑफिस का घेराव किया और घंटों प्रदर्शन किया। लेकिन खास बात ये रही कि जैसे ही SDM को पता चला कि किसान आने वाले हैं, तो SDM साहब चुपके से किसानों से बचकर निकल गए। इंद्री में भी अनाज मंडी मजदूर यूनियन ने बैठक कर मजदूरों की मजदूरी कम करने को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। मजदूरों ने अनाज मंडी में अनाउंसमेंट कर मजदूरों से कल से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। जो मजदूर यूनियन के निर्णय का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाने का ऐलान भी किया गया है। हमारा समस्या जो हमने कई दिन से इनके बातों के पीछे पड़े हुए हैं, हमको आश्वासन दिए थे कि आपका फैसला हो जाएगा 28 तारीख ना, आपको काम बंद नहीं करना है। हम इनकी बात देखते देखते मजबूर हो गए और हमारा रेट इन्होंने कम कर दिया है। पिछले साल के दरमियान हमें ये बहुत ज़्यादा ही मजदूरी कम कर दिया है। जब तक मेरा मजदूरी नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। कल से हमारा अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल है और हड़ताल पे ही हम रहेंगे। 10 रुपये 12 रुपये कुछ पैसे हमारा मजदूरी था, उसमें से इसने लगभग 3 रुपये 40-45 पैसे हमारा प्रत्येक बैग कम कर दिया गया है। अच्छा, एक बैग पे जी हमारा मजदूरी नहीं मिलेगा, हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ कारण बताया इन्होंने भी कम क्यों किया गया? कोई कारण हमें नहीं बताया। ये तो जब हम कमेटी में जाके जब उसको चंडीगढ़ से जो लिस्ट आता है, लिस्ट हमें कटवाए जब हमें पता लगा, हमें तो इसने कुछ बताया ही नहीं, हमें तो गोलमाल करके रखे हुए थे। उन्होंने कहा कोई सी बात नहीं, कहीं से भूल चूक हो गई है, 28 तारीख का आपका फाइनल होगा, आप लोग काम बंद नहीं करें, हम इनके आश्वासन। कलायत बाईपास पर बनी अवैध दुकानों पर नगर निगम ने पीला पंजा चलाया और इस दौरान 4 दुकानों को धराशाही कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कलायत के तहसीलदार संजय चौधरी बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे। सर, ये अवैध कॉलोनी है, इससे पहले
ये दो बार तोड़ी जा चुकी है। पहले इसने तीन दुकानें बनाई थी, वो मैं तोड़ के गया हूँ। उससे पहले भी इसने कच्ची सड़कें बनाई थी, वो भी मैं तोड़ के गया हूँ। इसके बावजूद इसने कोरोना का फ़ायदा उठा के और ये चार दुकानें आज बनाई हुई हैं और मौके पे पक्की सड़कें भी बना ली हैं, जिनको आज हम गिराने के लिए आए। तो मालिक साहब दुकान तो कलेक्शन कर रहे थे यहाँ पर, हाँ जी, तो दुकानें बना रहे थे, उनका भी कहना है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है कोर्ट के। सर ऐसा है, वो जो कागज़ दिखा रहा है ये मुश्तरका खाता है लैंड में, इन दोनों का अशोक सारण अशोक गोयल इनका आपसी झगड़ा है और ये स्टे इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर किया हुआ है। ये कोर्ट केस डीटीपी पे नहीं है, ना इसमें डीटीपी के स्टे लागू है।